शिव के दरवेश चैनल विच तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। आशा है तुसी सब ठीक होवोंगे। अज दी आपां इस वीडियो दे विच दो खास गल्लां तुहाडे नाल करांगे। सब तो पहली गल कि जिंदगी जिउणी किद्दां, दूसरी गल साडे एक दोस्त दी अंतिम इच्छा। तो समां ना खराब करदे हुए सीधा वीडियो वल चलदे हां जी। एक राजा सी, उसका एक दोस्त जो कि बहुत ही दुखी रहिंदा सी। उस दुखी दोस्त ने अपने राजे दोस्त नूं मिलन लई अपने कोल बुलाया, पर एक शर्त रखी कि अपने नाल एक इदा दा इंसान लैके आवे जो बहुत ही बेफिकरा होवे, जो जिंदगी दे विच हमेशा खुश रहिंदा होवे। तां राजे ने सोचा कि इदा दा तां कोई शायद ही व्यक्ति होवेगा जो अपनी जिंदगी दे विच हमेशा खुश ही रहिंदा होवे, क्योंकि दुख सब नूं ने, खुश कोई कोई है। तां राजे ने अपनी मंत्रियां नूं बुलाया ते कहा कि इदां दा कोई व्यक्ति लैके आओ जो हमेशा खुश ही रहिंदा होवे, आपां उस नूं लैके मेरे दोस्त कोल जाणा है। मंत्रियां ने बहुत समां सोचण ते लगा दिता कि इदां दा कोई भी इंसान नहीं होवेगा जो हमेशा खुश रहिंदा होवे, पर विच्चों एक मंत्री बोलिया कि हाँ, एक इंसान इदां दा है जो हमेशा खुश रहिंदा है ते रब दा हमेशा शुक्र करदा रहिंदा। तां राजा कहिंदा उह किहड़ा इंसान है? तां राजा कहिंदा उस इंसान नूं मेरे कोल लैके आओ। तां मंत्री कहिंदे ने अपने पिंड दे बाहर एक फकीर रहिंदा, उह फकीर हमेशा रब दा शुक्र करदा रहिंदा ते हमेशा खुश रहिंदा। उस राजे ने हुक्म दिता कि उस फकीर नूं मेरे कोल लैके आया जावे। तां राजे दी सेना उस फकीर कोल गई ते कहन लगी कि तैनू राजे ने बुलाया ते तैनू किते लैके जाणा। तां उह फकीर कहन लग्या, मैं किसे कोल नहीं जांदा, मैं अपनी हमेशा जिंदगी दे विच मस्त रहना, मैनू किसी नाल कोई मतलब नहीं। सैनिकां ने बहुत समझाया उस फकीर नूं, पर वह फकीर नहीं मन्निया। वह फकीर कहिंदा मैं नहीं जा सकदा, मेरा दिल इजाजत नहीं दिंदा, मेरा हजे उत्थे जाण दा मन नहीं आ, इसे करके मैं नहीं जा सकदा। तां सैनिक उत्थों वापस आए तां सब कुछ आके राजे नूं दस्या। राजा बहुत हंकारी सी ते उसने कहा कि उसनूं मैं लैके आउणा, वह इदां किद्दां नहीं आउंदा। राजे ने अपनी कृपान चक्की ते उस फकीर कोल चलिया गया। राजा फकीर कोल जाके कहिंदा कि तैनू अपनी जे जान प्यारी है तां तैनू मेरे नाल चलना होवेगा। फकीर कहिंदा मैं मरन तो नहीं डरदा, बस मेरा उत्थे जान नूं दिल नहीं करदा, तां इसे करके जे तू कृपान लैके मैनू मारन आया तां मैनू मार सकदा, मैं इत्थों भज्जांगा नहीं ते ना ही मैनू कोई मौत दा डर है। उह फकीर कहिंदा कि मैं भी देखना चाहुंदा कि मौत किद्दां आउंदी है। इन्नी गल सुण के वह राजा हैरान हो जाता है कि इसनों अपनी मौत का डर भी नहीं तो यह फिर भी खुश है। राजा उस फकीर नूं सवाल करता है कि तेनू मौत तो डर क्यों नहीं लगता? तो वह फकीर जवाब देता है कि मैं मौत तो इस करके नहीं डरता क्योंकि मैं बारी चीज़ा इकट्ठिया नहीं कीतियां, मैं वो चीज़ा इकट्ठिया नहीं कीतियां जो मौत साढ़े तो खो लवे, मैं सिर्फ उ चीज़ा इकट्ठिया कीतियां जो मौत तो पार लैके जा सकन। मौत ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਡਰਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫਕੀਰ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂ। ਪਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਬਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ
कि मैं जदों इस दुनिया नूं छड के जावां तां मैं अपने पीर दी अपने नकोदर पीर दे दरबार दी सेवा दे विच होवां ते फिर मैनूं इस दुनिया तों जाण दा कोई गम नहीं आ। सानूं इह गल बहुत ही खूबसूरत लगी ते सोचिया कि तुहाडे नाल वी सांझी कीती जावे। इह सी अज दी वीडियो। जे तुहानूं वीडियो चंगी लगी तां वीडियो नूं लाइक करियो ते तुहाडा अपना चैनल शिवका दरवेश जरूर सबसक्राइब करियो ते बैल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करियो जी, ताँ जो आउण वालियां वीडियोज़ तुहानूं सब तो पहला मिल सकन। जे होर भी कोई वीर साडे नाल साईं जी का किस्सा सांझा करना चाहुंदा है तो सानू इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकदा जी। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे विच दे दूंगा, तुसी उत्थे जाके मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।